बिहार के समस्तीपुर जिले से इस वक्त एक्सीडेंट की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर कटिहार जा रही बस यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर लोग जूझ रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के तहत प्रवासी मजदूर अपने घर को निकल रहे हैं। इस बीच समस्तीपुर में एक बड़ी घटना सामने आई। कटिहार जा रही बस और ट्रक में टक्कर हो गई जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं जिसको इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से आने वाली प्रवासी मजदूर बीती रात मुजफ्फरपुर में ट्रेन से उतरे थे। बिहार सरकार के द्वारा मुहैया कराए गए बस में सवार होकर अपने जिला कटिहार के लिए निकले थे। सभी के चेहरे पर घर जाने की खुशी थी। हर कोई अपने परिवार से मिलने को उत्सुक थे लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। जैसे ही बस दलसिंह सराय पहुंचने वाली थी तभी अचानक एक ट्रक ने उस बस में जोरदार टक्कर मार दी। कटिहार के रहने वाले हैं, कटिहार जिला। हम लोग मुंबई से आ रहे थे, मुंबई से आ रहे मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए। आते आते ये घटना हुई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, चार या पाँच और था दूसरे गाँव। इसमें मरे कितने? मरे ये जो है मेरा भाई है और ड्राइवर है। इसका क्या नाम है? इसका नाम माजिद है। पिता का? पिता का मोहम्मद हासिम। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले बिहार के। सर घटना कैसी है, कहाँ का रहने वाला है मृतक दोनों? ये जो है सो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन जगह जगह से चलाई जा रही है ताकि श्रमिकों को पहुँचाया जा सके। इसी क्रम में मुंबई से ट्रेन जो कल रात मुजफ्फरपुर में आई थी 1 बजे के आसपास, जिसमें से लगभग 32 आदमी कटिहार जिले के थे और उसको लेकर बस सुबह में 3 बजे मुजफ्फरपुर से चली थी और यहाँ पर जो तेज रफ्तार में जो आ रहे थे किसी ट्रक से इसका टक्कर हुई। इसमें से 2 आदमी अभी मरे हैं सर और 1 आदमी घायल है पूरी तरह, जो मरणासन्न स्थिति में बाकी घायल हो। और इस हिसाब से जो है सर कि इसका जो भी प्रक्रिया है उसे किया जाएगा ताकि मृतक के परिवार जो सरकारी लाभ है 4 लाख रुपया इनको आपदा के मुहैया कराया जाए। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक कटिहार के रहने वाले हैं। मृतक का नाम मोहम्मद माजिद आलम है, उसके पिता मोहम्मद वासिम है। थाना बलिया मिलौन कटिहार जिला के ये रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के बंदरा से यह खबर मिल रही है। यहाँ एक पेड़ से पानी गिरने से ग्रामीणों में कौतूहल है। दरअसल मामला बंदरा प्रखंड के नूनफारा का है। बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में एक फरहद के वृक्ष से अपने आप बीते 10 दिनों से काफी मात्रा में जल का रिसाव हो रहा है जिससे पेड़ 24 घंटे भीगा रह रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि यह एक अलौकिक शक्ति है। मंदिर के पुजारी का बताना है कि चैत्र नवरात्र के बाद प्रशासन ने मंदिर में ताला जड़ दिया, वजह था लॉकडाउन, जिसके बाद बाबा की आरती पूजन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात से बाबा कुपित हैं और इसलिए यह सब हो रहा है, ऐसा लोगों का बताना है। मंदिर के पुजारी का भी बताना है। ये लक्ष्मी नारायण बाबा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर इस गांव ही क्या, इस क्षेत्र के और लगभग यहाँ 10 गांव से लोग आते हैं, सभी का आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ पर जी। और दुर्गा पूजा के समय से यहाँ पर हालांकि किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ था लोगों के द्वारा, लेकिन कहीं से सूचना के आधार पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ताला जड़ दिया गया जी। उस समय से यहाँ पर बाबा का धूप आरती पूजा पाठ नहीं हो रहा है जी। ये पुजारी जी खड़े हैं जी और ये भी डर से, प्रशासनिक डर से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं जी। और यहाँ बाबा का जलाभिषेक भी बंद है। पिछले 8 रोज से इस मंदिर के पीछे प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में ही मंदिर के जस्ट पीछे एक पौधा है जिसमें आप भी जाके देख सकते हैं, अद्भुत नज़ारा है। पेड़ के हर डाली से बर्फ के समान जमा हुआ है और पानी गिर रहा है।